एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग विप्लव। तो गाइस आज हम लोग और एक नया फ्रेश वीडियो के साथ आ चुके हैं। जिस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक बूस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। हाँ गाइस, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ टिप्स दूंगा जिस टिप्स को आप लोग अगर फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से अगर मेरे टिप्स को फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग जरूर एक दिन के अंदर अंदर हीरोइक पहुंचोगे। तो गाइस वो टिप्स क्या है ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर वन जो है, आप लोगों को गाइस हमेशा अपने स्क्वाड के साथ खेलना है। तो मतलब ये चीज़ स्क्वाड क्या होता है गाइस, सबका खुद का एक स्क्वाड बनाना पड़ेगा। जिस स्क्वाड में क्या होगा, सभी के सभी एक दूसरे का बात मान के खेलेगा। क्या होता है गाइस, जब आप लोग स्क्वाड में जब खेलते हो क्या होता है, एक बंदे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इधर उधर चारों बंदे चारों तरफ चला जाते हैं। तो गाइस ऐसे स्क्वाड के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए, आपको खुद का एक स्क्वाड बनाना पड़ेगा। चाहे आपके मतलब पड़ोसी वाले दोस्त हो या गेम के अंदर ही कोई दोस्त हो, ऐसा स्क्वाड जो हमेशा आपके साथ मतलब आप लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब आप लोग का स्क्वाड के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबके सब 15-20 मीटर का दूरी रखना पड़ेगा। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर दूरी हो जाए तो गाइस क्या होता है, अगर कोई नॉक हो जाए डाउन हो जाए तो गाइस उसको रिवाइव करने में तकलीफ होता है, ठीक है, रिवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए गाइस हमेशा एकदम मतलब 20-15 मीटर का दूरी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई डाउन हो जाए तो गाइस आप लोग जल्दी जाके उसको रिवाइव कर पाओगे। तो गाइस अगर आपका मतलब बात यह है जो आप मेरे पास तो अच्छे बंदे नहीं है, मैं क्या कैसे क्या करूँ, तो गाइस अच्छे बंदे का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आप भी कोई नोबड़ा बंदे आप लोग खुद भी देख सकते हो, कभी कभी ये हो जाता है नोबड़े बंदे भी आप लोगों को मार के चला जाते हैं। तो गाइस उन लोगों का बात क्या होता है, उन लोग एक साथ रह के खेलते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होता है। अगर कोई एक प्रो बंदा भी आएगा ना, तो अगर आप चारों के चारों नोबड़े बंदे उस प्रो बंदे को मारोगे ना, तभी वो प्रो बंदे मर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको डैमेज पड़ती है, ठीक है, बात ये होता है। तो गाइस ऐसे आप लोग को अच्छे खासा स्क्वाड बनाना पड़ेगा। और गाइस टिप्स नंबर दो, आप लोगों को वो अच्छे गन का कम्बिनेशन मारना पड़ेगा। जैसे आप लोग रैंक पुश जब करोगे, आप लोग तो रश नहीं करोगे, दूर से बंदे को नहीं मारोगे, एकदम पास मतलब आप लोग किसी घर में बैठे हो तो बंदे को पास जब पास आएगा तब मारोगे। तो वही इसीलिए आप लोगों को M1014 या फिर दो गोली वाला जो नया जो शॉटगन आया है, दो गोली में बंदे ख़त्म हो जाते हैं अगर सही से लगे तो, उसका मतलब ऐसे गन आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, रैंक पुश करने के टाइम। क्योंकि क्या होता है, आप लोग घर में बैठे हो या फिर घर में घुस के किसको मारो तो दो तीन गोली मारोगे तो बंदे ख़त्म हो जाते हैं। या फिर MP40 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन MP40 में आप लोगों को हेड मारना आना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या होता है, ड्रैग का ज़माना आ गया, वो सभी बंदे मतलब आप ड्रैग मारते हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को अच्छा खासा हेड मारना आप लोग अगर जानते हो तभी आप लोग MP40 यूज़ करो, मतलब रैंक पुश करने के टाइम पे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता है उतने अच्छे से हेड मारना तो गाइस MP40 मत लो, शॉटगन यूज़ करो, ठीक है। टिप्स नंबर थर्ड जो है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाउंटी लेना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस बाउंटी मत लो, क्योंकि गाइस आप लोग उतर आप लोग ऐसे प्लेस पर उतरोगे जहाँ पर बंदे नहीं मिलेगा, आप लोग लूट करने के मोटिव पे रहोगा क्या किसी को मारने के मोटिव पे नहीं, तो इस टाइम आप लोगों को बाउंटी नहीं लेना है। आप लोगों को या तो फिर रिसप्लाई मैप लो या फिर सुमन या ड्रॉप अब ये सब या फिर बोन फायर लो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग सारे बंदे एक जैसा चीज़ मत लो, बोन फायर चारों के चारों बंदे बोन फायर ले रहे हो ऐसे मत करो, कोई सुमन एयर ड्रॉप कोई रिसप्लाई मैप कोई बोन फायर ऐसे यूज़ करो, ठीक है। और गाइस टिप्स नंबर फोर्थ जो है, आप लोगों को हमेशा सेफ रहना पड़ेगा। सेफ मतलब आप लोगों को हमेशा कवर पे रह के बंदे को मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर सोचो आपके पास ग्लू वॉल नहीं है और अगर आप बंदे को मारो तो सामने वाले बंदे अगर कवर पे है अगर या तो फिर उसके आपके पास ग्लू वॉल भी है तो क्या होगा, अगर सामने वाले बंदे कवर पे होगा तो गाइस आप लोगों को ग्लू वॉल तोड़ के मारेगा, क्योंकि उसका तो कोई टेंशन नहीं हो तो कवर पे आप लोगों को ग्लू वॉल तोड़ के आसानी से वो मार सकते हैं, ठीक है। इसीलिए गाइस आप लोगों को हमेशा कवर पे रह के मारना चाहिए, ठीक है। और गाइस फिफ्थ जो टिप्स है गाइस वो है, आप लोगों को
हमेशा सेफ जोन में रहना चाहिए। सेफ जोन का मतलब ये नहीं है आप लोगों को सेफ जोन के बीच में रहना, बीच में मत रहना, ठीक है। सेफ जोन के एकदम मतलब ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे गाइस अगर कोई आपको मारेगा सामने से तो अगर आप ग्लोअर लगा के या कवर लेके आप सेफ जोन के अंदर पहुँचोगे, इतना दूरी डिस्टेंस रखना पड़ेगा सेफ जोन से, ठीक है, जोन के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। और आप लोग अगर सोचते हो मैं एकदम जोन के बीच में रहूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये चीज़ बहुत ही गलत होता है, क्योंकि अगर आप जोन के बीच में रहोगे तो आपको चारों तरफ से बंदे मारेगा, बहुत डैमेज पड़ेगा। ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। और गाइस टिप्स नंबर 6, ठीक है, टिप्स नंबर 6 पे क्या होगा गाइस, आप लोगों को ज़्यादा प्लस आप लोगों को कैसे मिलेगा, क्या करने पे आप लोगों को ज़्यादा प्लस मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 किल करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 किल कीजिए और गाइस 1000 डैमेज दीजिए और टॉप 10 में आइए, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको आसानी से प्लस मिल जाएगा, टॉप 10 में आना पड़ेगा और गाइस 3 किल करना पड़ेगा और 1000 डैमेज देना पड़ेगा। और गाइस आपको अगर 3 किल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 डैमेज हो ही जाएगा, थोड़ा हेड मारने का ट्राई करना तो 1000 डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप लोग करोगे तो आसानी से आप लोग को प्लस मिल जाएगा, ठीक है। अगर और या तो फिर आप अगर सोलो में खेल रहे हो तो भी ये ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो भी आप लोग को बहुत सारे प्लस मिल जाएगा। 6 जो है गाइस आप लोगों को प्लस कौन सा मोड में ज़्यादा मिलेगा, सोलो या स्क्वाड या डुओ पे, तो गाइस आप लोगों को ज़्यादा प्लस या मतलब ज़्यादा जल्दी प्लस मिलने का चांसेस होता है आप लोगों को स्क्वाड में, क्योंकि गाइस स्क्वाड में ये होता है, स्क्वाड में चारों बंदे होता है और गाइस अगर कोई स्क्वाड ख़त्म हो जाता है तो गाइस चारों बंदे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब आप लोगों को टॉप 10 या टॉप 5 में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि गाइस स्क्वाड के साथ स्क्वाड लड़ाई होगा तो गाइस उन लोगों का भी एक दो बंदे मर जाएगा और गाइस एक स्क्वाड तो ख़त्म ही हो जाएगा, दूसरे स्क्वाड का भी कुछ बंदे तो मरे जाएंगे। इससे क्या होता है गाइस जल्द से जल्द आप लोगों को टॉप 10 या टॉप 5 में आ सकते हो और गाइस मैच जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो है गाइस आप लोगों को कौन सा प्लेस पे उतरना चाहिए रैंक पुश करने के टाइम पे, तो गाइस रैंक पुश करने के टाइम पे आप लोगों को ऐसा प्लेस पे उतरना चाहिए जहाँ पे गाइस बंदे बहुत कम उतरते, मतलब प्लेन जिस तरफ से जाएगा उससे एकदम साइड पे जाना पड़ेगा, मतलब जिधर आप लोग प्लेन से उतरने के बाद पैराशूट लेके नहीं जा पाओगे, आप लोग को जमीन पे उतरना पड़ेगा, उसके बाद गड्डी या दौड़ के उस प्लेस पे आप लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं जा पाओगे। ऐसे प्लेस में आप लोग को जाना पड़ेगा, इससे फ़ायदा ये होगा उस प्लेस पे ज़्यादा बंदे नहीं जा पाएगा, वो लोग सोचेगा भाई बहुत दूर है ये हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कैसे आप लोग को उन लोग जो सोचेगा उनके जैसा सोच आप लोगों को नहीं रखना चाहिए, आप लोगों का सोच कुछ अलग रखना पड़ेगा, इससे आप लोग को ये बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसे प्लेस पे आप लोग को जाना पड़ेगा जिधर बंदे लोग नहीं जा पाएगा या फिर आप लोग प्लेन से उतर के उस प्लेस पे नहीं जा पाओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और गाइस न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।